उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। मेरे जो वीडियो भी आते हैं, मेरे यूट्यूबर दोस्तों और दूसरे भी जो भी मेरे वीडियो पे आते हैं, सबको हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और गाने में सब अपने माता जी के भजन में, गाने में, सब गरबा गाने में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको ऐसे ऐसे 5 प्लांट बताऊँगी जो अपने आप सीड्स गिरा के एक में से ढेरों प्लांट कब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और इसमें से 2-3 प्लांट तो सूप प्लांट माना जाता है और हमारे लिए बहुत अच्छे से बेनिफिट रखता है। तो हमें ऐसे प्लांट लाना चाहिए कि एक बार हम नर्सरी से जाए, लेके आ जाए, हमें बार बार इस प्लांट को हमारे गार्डन में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्लांट है तुलसी का प्लांट। तुलसी जी का प्लांट सूप प्लांट माना जाता है और मेडिसिनल प्लांट भी है कि सर्दी खांसी जुकाम में हमें काम आता है। और ये प्लांट भगवान के हार को, भगवान को माला अर्पण करते हैं तो इसमें भी इसका पत्ता होता है। जब हम भगवान को भोग धराते हैं तभी हम पहले तुलसी जी का पत्ता इसमें रखते हैं। बिना तुलसी जी का पत्ता रखे भगवान का भोग हम अर्पण नहीं कर सकते। तो तुलसी जी का एक प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि वो अपने आप सीड्स बनाते रहते हैं। वैसे उसके सीड्स बनते हैं, इतने छोटे छोटे सीड्स होते हैं, अपने आप इसमें से सीड्स बनते रहते हैं, गिरते रहते हैं और एक में से अनेक प्लांट बन जाता है। अभी सीड्स भी गिरते हैं तो कम इतना प्लांट नहीं बनता, पर जब बारिश की मौसम होती है इसके पहले जितने भी सारे सीड्स गिरते हैं तभी एक में से अनेक प्लांट बन जाते हैं और हमें बार बार प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, अभी अभी मेरा भी ये तुलसी जी के ऊपर आया है। तो आप लोग, अभी ठंडी की मौसम शुरू हो जाए तो आप भी इस प्लांट को बचाने के लिए इसको ठंडी से ज़रूर बचाना। और तो मेरा पहला प्लांट है तुलसी जी का प्लांट। दूसरा प्लांट है नीम का पत्ता। गुजराती हो, उत्तर गुजरात के हो, दक्षिण गुजरात के हो, दक्षिण इंडियन के हो, कोई भी लोग हो, तो बिना मीठा नीम के पत्ते हमारी सुबह होती ही नहीं है। चाहे चटनी बनाओ, चाहे दाल बनाओ, कढ़ी बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, सारे में इसके बिना, इसके पत्ते के बिना कोई टेस्ट आता नहीं है। तो ये मैंने, आप देख सकते हो, ढेर सारे मेरे सीड से ग्रो हो गए हैं ये मेरे प्लांट। और अभी तो डेढ़ या दो महीना भी नहीं हुआ है और मैंने सारे सीड्स इसमें डाल दिए थे, तो सारे सीड्स इसमें जर्मिनेशन हो गए हैं। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है जो अगर आपके गार्डन में ये प्लांट होगा, बड़ा प्लांट जमीन के नीचे ज़मीन में होगा, तो इसमें इतने ढेर सारे सीड्स बनते हैं और फिर नीचे गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं और एक में से अनेक प्लांट बन जाता है। ये हमारे खाने में तो काम आता है पर स्किन के लिए भी अच्छा है, बाल के लिए भी बहुत अच्छा है। जिसको डायबिटीज़ है उसको भी इसका सेवन करना चाहिए, इसके लिए भी ये प्लांट को बहुत बेनिफिट रखता है। और बाल, जब जिसके बाल झड़ते हैं तो बाल घना भी करता है। जब हम तेल बनाते हैं तो इसमें पीसकर भी आप बना पर तेल में डाल सकते हो, और ऐसा नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्ट लाल जो जासूद आता है, ये मेरा है, देखा कितने बड़े बड़े फूल आए, तो लाल जासूद और इसको पीस के भी इसकी पेस्ट भी आप बाल में लगा सकते हो, तो इससे भी आपका बहुत अच्छे से बाल में बेनिफिट रहता है। तो ये भी अपने आप गिर के, सीड्स गिरा के ढेर एक में से अनेक प्लांट बन जाता है। तीसरा प्लांट फूल वाला है ये विनका। विनका में भी ऐसा ही है, मैंने एक बार ये प्लांट खरीदा है, आप देख सकते हो इसके अंदर सीड्स गिर गिर के कितने ढेर सारे बेबी प्लांट, देखो इसकी। और इस एसी में से मैंने, आप देख सकते हो, एक गमला ए और ए वाला लाल वाला है, तो लाल वाला में भी आप देख सकते हो, देखो ऐसे ही सीड्स गिर गिर के बहुत ढेर सारे बेबी प्लांट बन जाते हैं। चाहे देसी वाली हो या हाइब्रिड विनका हो, कोई भी, आप एक बार ए विनका का प्लांट अपने लिए अपने गार्डन में लाओगे तो भी दूसरी बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हाइब्रिड विनका है तो इसको हमें पानी से, बारिश में पानी से बचाना है, इसको फंगस का थोड़ा अटैक होता है। पर हमारी देसी विनका का प्लांट मैं आपको दिखाऊँ, इतना छोटा सा गमला है और प्लांट देखो कितना बड़ा हो गया है, और इसमें ऐसे सीड्स बनते ही रहते हैं, गिरते रहते हैं। आप देखो ये बड़े सारे सीड्स हैं, तो इसमें वाइट और ये दोनों प्लांट है, देसी वाला तो कितना बड़ा हो गया है और गमला देखो कितना छोटा
एक ही हेड का इतना गमला है, तो इसमें दोनों वैरायटी मेरी है। ये प्लांट भी एक ऐसा है कि आप अपने आप सीड्स गिर के और एक में से ढेर उस प्लांट बना देता है। दूसरा प्लांट है वो भी फूल वाला है, ये मेरी मैक्सिकन पिटोनिया। तो मैक्सिकन पिटोनिया की ये देसी वेराइटी है, तो इसमें भी आप देख सकते हो जैसे विंका में ऐसे ही इसमें से भी सीड्स बनते रहते हैं अपने आप गिर के। आप देख सकते हो ये सारे अपने आप गिर के, ये भी देखो सीड्स ये गिरा की है, ये ऐसे ही सीड गिर के अपने आप ढेर वो प्लांट बन जाते हैं। एक बार लगा दो, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक गुलाबी भी है और एक वाइट वाला भी है, वो दोनों ड्रॉप वैरायटी है। तो ये अपने आप देख सकते हो ये सारे सीड्स गिर के नए नए बेबी प्लांट निकले हुए हैं ऐसे। तो और लास्ट प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड। तो मदर ऑफ थाउजेंड की दो वैरायटी है मेरे पास, आप देख सकते हो ये वैरायटी है। इसमें भी ये बेबी प्लांट अपने आप, ये मेरा मेन प्लांट तो पता नहीं कहाँ चला गया, पर बेबी प्लांट निकल के आप देख सकते हो ये और ये दूसरी ये वैरायटी। दिखा भी नहीं पाती हूँ मैं, देखो पूरा गमला भर गया है। और जिस ही गमले के मैं पास रखूँ ये सारे गमले में भी, कितने गमले में इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये भी ऐसा प्लांट है कि बेबी प्लांट अपने आप गिरा के, कोई सीड्स गिराता है, कोई बेबी प्लांट गिराता है, और गिरा के अपने आप खुद प्लांट बने रहते हैं। वैसे तो एडेनियम के अंदर भी बहुत सारे सीड्स आते हैं, गिरते रहते हैं, पर क्या होता है इसके सीड्स और इसके सीड्स में बहुत सारी डिफरेंट है। कि एडेनियम में ऐसा सीड्स आते हैं, तो वो क्या होता है कुदरत ने ऐसी कमाल की है कि जैसे ही एडेनियम के सीड्स निकलते हैं और फिर जैसे ही हवा का झोंका मिलता है तो पूरा उड़ जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता। पर जब ये सारे एडेनियम के ये सारे प्लांट के सीड्स ऐसे हैं कि कहीं भी उड़ नहीं जाता और हमारे गमले में ही या आसपास में ही पड़े रह के हमें एक में से अनेक बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, बनाते रहते हैं और मुफ्त में एक में से हजारों कप बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितने ढेर सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आप भी ऐसा कुछ नहीं, जब नई नई गार्डनिंग की शुरुआत करो तो अपने गार्डनर्स प्लांट लाके एक बार आप गार्डनिंग शुरू कर दो और फिर आपको बार बार गार्डनर्सरी में से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके पास एक में से ढेर सारे बेबी प्लांट निकाल के या सीड्स गिर के ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।